मैं आईडी आज आपको बताने वाला हूँ अवेल टाइम के बारे में, व्हाट इज अवेल टाइम। ठीक है दोस्तों, तो अवेल टाइम क्या होता है, ठीक है, इसको वेट टाइम भी कहते हैं, ठीक है, कई जगह इसको वेट टाइम भी कहते हैं, ठीक है, और कई जगह इसको आइडल टाइम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में या आपके ऑफिस में इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, अवेल टाइम यानी अवेलेबल टाइम भी इसको कहा जाता है कई जगह, अवेलेबल टाइम, आइडल टाइम या वेट टाइम, ये सब एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों, तो आज की मेरी वीडियो है आपके लिए अवेल टाइम के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना आपसे चाहूंगा कि आप हमारे अगर नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इसको लाइक जरूर करें, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अवेल या अवेलेबल टाइम या आइडल टाइम या वेट टाइम सब एक ही है, इसको किस तरह से हम ट्रैक करते हैं, ठीक है, और इसका क्या यूज होता है और इसका क्या बैड इम्पैक्ट है, क्या इसको हम मतलब पॉजिटिव तरीके से इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अवेल टाइम आपने सुना होगा कि अवेल टाइम के जब हम किसी इनबाउंड या आउटबाउंड या कोई वॉइस प्रोसेस में, ठीक है, ये मान लो बैक ऑफिस में ही काम करते हैं, तो ये साफ सभी जगह होता है अवेल टाइम। अवेल टाइम का मतलब एक तरह से फ्री टाइम भी होता है, जब हम काम करने के लिए रेडी हैं लेकिन हमारे पास काम नहीं है अभी काम करने के लिए। ठीक है, द टाइम वेन कॉल्स आर नॉट कमिंग टू कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव वाइल ही सी इज अवेलेबल एंड रेडी टू टेक कॉल्स। ठीक है, ये सिर्फ मैंने कॉल का एग्जांपल आपको दिया है कि ये बैक ऑफिस या किसी भी ऑफिस में हो सकता है। ठीक है, कि किसी भी ऑफिस में सपोर्ट हमारे पास 10 लोग प्रेजेंट हैं और हमारे पास 10 लोग में से आज 6 लोगों का ही काम है, 4 लोग एक्स्ट्रा हो पा रहे हैं, तो उसको वो जो अवेलेबल टाइम होगा, ठीक है, इसको हम टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि हर घंटे में कितना काम हो रहा है या हर इंटरवल में कितना काम हो रहा है, ठीक है, कितना हम फ्री रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फॉर मेजर इट बी कंसिडर द फ्री टाइम विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एएसटी टाइम। ठीक है, एएसटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, एएसटी में क्या होता है, टॉक टाइम, होल्ड टाइम और एंड रैप अप टाइम। ठीक है, तो ये इन तीनों का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये इससे अलग है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री टाइम होता है, ये अवेलेबल टाइम होता है। ठीक है, तो अगर आप एएसटी के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप हमारे एक वीडियोस देख सकते हैं जो हमने एएसटी के लिए बनाया है, उसमें हमने आपको बेटरली एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि किस तरह से एएसटी को कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, किस तरह से प्रोसेस एएसटी निकाल सकते हैं, ये सब मैंने उस वीडियोस में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अवेलेबल टाइम है, ठीक है, जब हम फ्री होते हैं पर हम रेडी हैं काम करने के लिए, तो उस समय का टाइम है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बाइफर्केशन होता है जो हमारी वॉइस प्रोसेस होता है, वॉइस प्रोसेस में, ठीक है, तो जितना भी होता है ये स्टाफ टाइम आपको बता देता हूँ कि स्टाफ टाइम क्या होता है। स्टाफ टाइम होता है 9 घंटे का, ठीक है, किसी भी ऑफिस में, ठीक है, तो 9 घंटे आपको बुलाया जाता है जिसमें से आपका 1 घंटा ऑक्स, ऑक्स मतलब ब्रेक टाइम होता है। ठीक है, तो 1 घंटा आपका ब्रेक होता है, बाकी 8 घंटे आपको काम पे अवेलेबल रहना होता है। ठीक है, तो जो 1 घंटा जो ब्रेक भी होता है ना, उसके भी 3 बाइफर्केशन होते हैं। ठीक है, पहला टी ब्रेक होता है जो 15 मिनट के लिए रखा जाता है, उसके बाद फिर लंच ब्रेक होता है दोपहर के समय या आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपको 30 मिनट के लिए दिया जाता है, फिर से अगेन एक 15 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है, जो आपको रिफ्रेशमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये 1 घंटा ब्रेक का इस तरह से मैनेज किया जाता है, बाकी और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे टॉक टाइम, जिस समय जितने समय हमने बात किया तो टॉक टाइम होता है, एक रैप अप टाइम होता है, रैप टाइम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो एवरी कॉल को फिनिश होने के बाद में कुछ सेकेंड हमें मिलते हैं नई कॉल आने तक। ठीक है, एक होल्ड टाइम होता है जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता करनी होती है, आपको नहीं पता है तो आप उसको कस्टमर को एग्जीक्यूटिव को चेक करके इन्फॉर्मेशन होल्ड से जानकारी प्राप्त करके फिर आप उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो होल्ड टाइम होता है। इसी तरह से कुछ और भी टाइम होते हैं, रिफ्रेशर टाइम जैसे ट्रेनिंग सेशन होते हैं,
क्वालिटी सेशन होते हैं, ठीक है, तो ये रिफ्रेशर ब्रेक सेशन के टाइम भी होते हैं। इसके अलावा जो ये तुम्हारी जो मैंने आपको बाइफर्केशन बताया, ये वही स्टाफ टाइम का बाइफर्केशन है जो सबसे पहले 9 घंटे का है, ठीक है, इसमें 1 घंटा कट गया कि 8 घंटे का ये पूरा टाइम होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमारे पास जो कैलकुलेट होता है टाइम वो आइडल टाइम में कैलकुलेट होता है, अवेल टाइम या आइडल टाइम, मतलब कि जब हम फ्री हैं, अभी काम नहीं है तो हम फ्री हैं, अभी हमारे पास कॉल्स नहीं आ रही हैं या ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं अभी हमारे पास। ये बैक ऑफिस में भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कि जब ऑर्डर्स नहीं है हमें टैग करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास अवेल टाइम है यानी कि आइडल टाइम है। तो उस दौरान हम कैसे इसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो जब आपके पास दोस्तों अवेल हो तो आप जिस प्रोसेस में हैं उस प्रोसेस से रिलेटेड, सपोज कोई एजुकेशन का प्रोसेस आपके पास है तो उस प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपको टूल दिया गया हो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो जब आप फ्री होते हैं उस टूल में आप इसको पढ़ सकते हैं उसकी जानकारी, ताकि आपको और बेहतर जानकारी मिलेगी, तो आप कस्टमर को भी बेहतर जानकारी सही समय में प्रोवाइड करेंगे, तो सही समय प्रोवाइड करेंगे तो आपको ESTB आपका कम होगा, ठीक है, उससे आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। तो जब भी आपके पास अवेल टाइम है, अवेलेबल टाइम है, जब आपके पास वर्कलोड नहीं है, ठीक है, तो उस समय आप अपने टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी खुद की नॉलेज के लिए, ठीक है, जो आपको भी मतलब अच्छा इम्प्रूव करेगी और प्रोसेस को भी, ठीक है। तो जैसे अगर कोई भी टूल नहीं है, जैसे कोई एजुकेशन है या कोई मेडिकेयर का प्रोसेस है, तो मेडिकल के बारे में कहीं से भी आप जो आपको टूल दिए गए हैं उन पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप एक्सेल पे कुछ फॉर्मूला सीख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेल सीख सकते हैं, या जो भी आपके पास ईमेल है तो ईमेल कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किसी ने कोई ईमेल भेजा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। या फिर आप अवेल टाइम में अपनी कॉल्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो आपने टैगिंग की हुई है, ठीक है, क्या मैंने टैगिंग की है, उसको मैंने कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे राइट करना है, कैसे लिखना कैसे है उसको, ताकि वो बेहतर हो सके। या फिर अगर कोई आपका काम छूट गया है, कोई नंबर छूट गए हैं जो टैग कुछ इस तरह का है जो आपको नंबर की इन्फॉर्मेशन या किसी की जो आपके ऑपरेशन को देना है या किसी HR से मीटिंग का है, ठीक है, तो आप अपनी सीट पर रहकर ही, क्योंकि आपको अटेंटिव भी रहना होगा, अपनी सीट पर रहकर ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो इस टाइम को आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वही आपका अवेल टाइम होगा, उसका इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो आइडल टाइम की ट्रैकिंग कैसे करते हैं, ठीक है, आइडल टाइम मतलब कैसे निकालेंगे, सारा टाइम जो हमारा स्टाफ टाइम होता है इसमें से ब्रेक टाइम, ऑफ टाइम, ये सारा टाइम जब हम कम कर देंगे तो सिर्फ बचा हुआ टाइम जो होगा वो अवेलेबल टाइम, आइडल टाइम या वेट टाइम ही कहलाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, ठीक है, आप हमारे और भी वीडियोस देख लीजिए हमारे वीडियो लिस्ट में जाके, जहाँ आपको WFM, MIS, BPO, KPO, ठीक है, इन सब चीजों से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है, तो आप हमारे वीडियो लिस्ट से और भी चीजें सर्च कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करें वीडियोस को, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।